आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज माँ विंध्यवासिनी के नगर में आप सबको इसलिए जल्दबाजी में बुलाया गया कि आज देश की कैबिनेट कमेटी ने एक बहुत बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया है। आज देश की केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, वो भाजपा सरकार ने MSP को अपनी लागत से 50% तक बढ़ाने का फैसला लिया। खरीफ क्रॉप में लागत के मूल्य के ऊपर 50% समर्थन मूल्य देने का फैसला आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है। मैं पार्टी की ओर से और देश के करोड़ों किसानों की ओर से हृदय से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि देश आजाद हुआ तब से अपने कृषि प्रधान देश के अंदर किसानों की एक मांग थी कि उनकी फसलों के उचित दाम उनको मिलने चाहिए। कई सालों तक आंदोलन हुए, हजारों किसान आंदोलन में मारे गए, शहीद हुए, मगर किसी भी सरकार ने यह हिम्मत नहीं की थी कि लागत मूल्य से 1.5 गुना 50% बढ़ाकर समर्थन मूल्य देना, ये हिम्मत किसी ने नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने MSP के अंदर 50% तक का क्रॉप के अंदर बढ़ोतरी करकर देश के किसानों की 7 दशक पुरानी मांग को समाप्त किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी तब से अपने वचन पूर्ति के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है और ये देश के किसानों की माली हालत में सुधार करने के लिए, देश की कृषि को बचाने के लिए, देश के गांवों को टूटते हुए बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम आने वाले दिनों में साबित होने वाला है। ये ऐतिहासिक फैसले से खरीफ के क्रॉपों को फायदा मिलेगा, किसानों को रागी, मक्का, कपास, सारी दलहन, मूंगफली और कुछ कुछ क्रॉप के अंदर तो लगभग 50% से भी ज्यादा फायदा होने की संभावना है, जिसके क्रॉप वाइज रेट्स आज भारत सरकार ने घोषित किए हैं। मैं कुछ किसानों को फायदा होने वाला है। जब से नरेंद्र मोदी सरकार बनी तब से एक के बाद एक किसान हित के फैसले नरेंद्र मोदी सरकार ने लिए। सबसे पहले नीम कोटेड यूरिया लाकर यूरिया की कालाबाजारी को रोका और यूरिया की उपलब्धि को किसानों के लिए सहज और सरल बना दिया। आज देश में कहीं पर भी यूरिया की किल्लत नहीं है। उसके बाद सारे खादों के दामों में कटौती की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक संपूर्ण योजना के रूप में लाए, जिसमें और कई सुधार करने की प्रक्रिया भी चालू है। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, सालों से लटके पड़े इरिगेशन के सारे प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़े। स्मॉल और माइक्रो इरिगेशन के लिए भी बहुत आगे बढ़े। सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रोजेक्ट हाथ में लिया। जब आपदा आती है तो किसानों की जो सहायता करनी पड़ती है उसमें भी वृद्धि की है और अब MSP को बढ़ाकर
मैं मानता हूं किसानों की माली हालत को सुधारने में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया है, भाजपा सरकार ने उठाया। इसके सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो देश के करोड़ों छोटे किसानों को फायदा होने वाला है, और एक फायदा किसानों का जो होने वाला है वो उनका अधिकार था, जिस अधिकार से अब तक उनको वंचित रखा गया था। मैं मानता हूँ आज का दिन किसान हमेशा दीपावली के रूप में मनाएगा, क्योंकि 70 सालों से जो उनकी मांग थी वो मांग को आज पूर्ण करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसान की माली हालत सुधरती है, चाहे वो बड़ा किसान हो, मझला किसान हो, छोटा किसान हो, जब किसान की माली हालत सुधरती है तो इसके साथ ही खेत मजदूर की भी माली हालत अपने आप सुधरती है। तो कुल मिलाकर सभी प्रकार के किसान और खेत मजदूरों को फायदा पहुंचाने वाला एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। इससे देश के गांवों को भी एक ताकत मिलेगी, गांव टूटते हुए बचेंगे, लोग गांव में अपनी किसानी करते हुए सुख के साथ रह पाएंगे। मैं मानता हूं एक मल्टी डायमेंशनल फायदा पहुंचाने वाला ये फैसला है, और मैं हृदय से देश के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के सभी साथियों को हृदय से बधाई, अभिनंदन और साधुवाद देना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज किसान हित में बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिससे दूरगामी किसानों के बहुत सारी समस्याओं का अंत होगा। और आप सभी से भी मैं निवेदन करता हूं कि ये फैसले को जितना हो सके नीचे परकोलेट कराने में, नीचे तक पहुंचाने में, किसानों तक पहुंचाने में आप हमारी सहायता करें, जिससे किसान को अपने अधिकारों का जानकारी मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।